आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, और आशा करता हूं आप कुशल होंगे। ये देख लीजिए केदारनाथ का सुंदर दृश्य, हिमालय बर्फ की चादर लपेटे हुए है, और नीचे भोले शंकर का मंदिर बाबा केदार धाम। आप देख लीजिए पूरा केदारनाथ धाम, आप देख लीजिए। लास्ट आपको बता दें वो यहाँ पर हेलीपैड है, हेलीपैड से अगर आप गया चलेंगे तो बेस कैंप घोड़ा स्टैंड। ये देख लीजिए रास्ता बना हुआ है, हालांकि अभी इसमें सीमेंट वगैरह नहीं पड़ा, लेकिन जाने के लिए अच्छा है। यहाँ पर से देखिए ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो जो हमारा गंतव्य है डेस्टिनेशन हमारा उस तरफ जा रहा है, और दूसरा रास्ता ये आपको ले चलते हैं। पहले आपको दिखाते हैं मोती गुफा। तो ये मोती गुफा है, ये बहुत पहले इसमें एक साधन हुआ करती थी कृष्णामाई बोल करके, तो करीब 15 साल पहले वो समाधि लगाई थी। इसके बाद यहाँ पे मोदी जी आए, एक दिन ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद मोदी गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे देख लीजिए वो दोनों आदमी पीछे छूट गए हैं, मैं इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है आप देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा। तो इस समय हम खड़े हैं मोदी गुफा पर। ये मोदी गुफा कब से जाना जाता है मैं आपको बता दूँ, आपदा से पहले यहाँ पे एक कृष्णामाई हुआ करती थी, ये साधुन रहती थी बहुत साल तक, हम जब छोटे थे 10-11 साल के जब थे तब से यहाँ पे आते हैं, और लगातार कृष्णामाई जब आती थी मंदिर में आकर के जो छोटे बच्चे थे उनको ट्रॉफियाँ वगैरह देती थी, तो बहुत लोग उसको बहुत प्यार करते थे। जब वो ख़त्म हुई उसके बाद इलेक्शन से पहले एक बार मोदी जी यहाँ पे आए, एक रात यहाँ पे ध्यान किया, ध्यान करने के बाद लोग इसको आप मोदी गुफा के नाम से जानते हैं। और इसके लिए बुकिंग मैं आपको बता दूँ, GMBN के थ्रू इसकी बुकिंग होती है, शायद इसके 1800 के लगभग इसकी बुकिंग है, आप ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिए मोदी गुफा, इसमें ताला लगा हुआ है। ये मोदी गुफा के पास एक दूसरी गुफा है, देख लीजिए पूरे ऊपर से पत्थर है, नीचे देख लीजिए आप पत्थर के नीचे चिनाई करी हुई है, दरवाजा और खिड़की लगाए हुए हैं, तो फर्स्ट क्लास गुफा हम कह सकते हैं ये बनी हुई है। इसमें भी आप चाहें तो रह सकते हैं, वो भी GMBN के थ्रू। और एक रास्ता यहाँ से जाता है पर लगभग 8 किलोमीटर ऊपर है, ट्रैक है, तो वो बासुकी ताल के नाम से जाना जाता है, इस पहाड़ी के पीछे है। तो उस पहाड़ी पे श्रावण महीने के बाद ब्रह्मकमल फूटते हैं। ब्रह्मकमल एक पुष्प होता है जो बाबा का प्रिय फूल है। एक बार मैं आपको बता दूं ब्रह्मकमल क्यों प्रसिद्ध है। एक बार रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे, अपने दोनों नेत्रों से बाबा भोले शंकर को ब्रह्मकमल चढ़ाए थे, तो भोले शंकर उनको आराध्य देव मानते थे, तो उन्होंने एक ब्रह्मकमल उठा करके अपने माथे पर रख दिया था और एक बाबा के चरणों में रहने दे दिया था। तब से ब्रह्मकमल का बहुत महत्व है, ब्रह्मकमल से यहाँ पे पूजा अभिषेक होते हैं। विशेष महत्व इसका श्रावण महीने का है, ब्रह्मकमल काफ़ी फूटे नहीं, श्रावण के बाद ये ब्रह्मकमल फूटेंगे, तब जाके आपको दर्शन हो पाएंगे ब्रह्मकमल के। अब हम बढ़ रहे हैं मोदी गुफा से आगे की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर, देखते हैं कहाँ तक सफ़र कर पाते हैं। ये देख लीजिए दोनों आदमी एकदम खरगोश की चाल चल रहे थे, अभी बैठ गए हैं और मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ। तो इस समय हमें मोदी गुफा से थोड़ा आगे रास्ते से जा रहे हैं हम, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है आज का बता दूं मैं आपको, ये चोराबाड़ी ताल है। चोराबाड़ी ताल जहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, ग्लेशियर जहाँ से फटा था वहीं पे हमारा आज का डेस्टिनेशन है। देखते हैं आगे कैसा रास्ता है, अभी तक तो रास्ता बहुत अच्छा है। देख लीजिए बीच बीच में थोड़ा रास्ता खराब है, मगर उतना भी टफ नहीं है, बर्फ के ऊपर से चलना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ये सूखे जो पहाड़ हैं धीरे धीरे हरे होने लग गए हैं, बर्फ गल चुकी है, और इसके बाद यहाँ पे तरह तरह के फूल खिलेंगे। कुछ समय पश्चात फूलों से लथ जाएगी ये पहाड़ियाँ। ये देख लीजिए बर्फ जब गल चुकी है उसके बाद धीरे धीरे फूल खिलने यहाँ शुरू हो चुके हैं, कितने सुंदर फूल हैं। आहा,
वाह, तोड़ूंगा नहीं, प्रकृति की सुंदरता बनाए रखते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, एक कटीला, इसको यहाँ पे लोकल भाषा में बिस्कनरा बोला जाता है। ये जहाँ कहीं कोई चीज खतरनाक हो जाती है, विष लग जाता है, जहर लग जाता है, फैल जाता है, तो उसके लिए काम आता है। ये देख लीजिए, पहाड़ी रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है। हे बाप रे, फाइनली यहाँ से देख लीजिए बाबा केदारनाथ का व्यू कितना सुंदर है। ये देख लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं मधुगंगा के पास। और इस समय हम बर्फ के ऊपर से चल रहे हैं, देख लीजिएगा ये झरना एकदम सुंदर, मधुगंगा के नाम से जाना जाता है। आइए कभी इस मधुगंगा के को भी देख लीजिए, और बर्फ देख लीजिए, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ का ग्लेशियर है। खतरा हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। अब मई का महीना है, बर्फ गलनी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है। इस समय हम तीनों यहाँ पे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कुछ क्षणों पश्चात स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। देख लीजिएगा, सामने ही चोराबाड़ी लेक है, आप देख सकते हैं। यह आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, घास ले आ रहे हैं पशुओं के लिए, घोड़े कचरे इत्यादि के लिए लोग घास की व्यवस्था करते हैं। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय केदार। ये देख लीजिए कितना मेहनत भरा काम है, चट्टानों से लेके आना पड़ता है घोड़े खच्चरों के लिए, घास फूस इत्यादि जो भी है। क्या सुंदर नजारा है, क्या सुंदर दृश्य है। एक बार आपको दिखा दूं, मैं ये रास्ता पूरा हमने तय किया है, बाबा केदारनाथ की नगरी से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। अब सिर्फ हमको ये रास्ता तय करना है, थोड़ा ही रास्ता है अब बचा हुआ, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम चोराबाड़ी लेक के पास। ये देख लीजिए, रास्ते भर में बर्फ पड़ी हुई है, रास्ते का किनारा किनारा किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। रास्ता टफ है, देख के चलना होगा। टोटली इसके बाद हमको बर्फ मिलने वाली है। देख लीजिए, बर्फ के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। रास्ता थोड़ा टफ हो, मगर कहते हैं नथिंग इम्पॉसिबल वर्क इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। ये देख लीजिए आप, छोटे छोटे छेद टाइप के बने हुए हैं, इसमें निश्चय ही जानवर के खुर के निशान हैं। ये देख लीजिए, पूरा बर्फ के ऊपर से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये है मंदाकिनी नदी, ये ठीक चोराबाड़ी ताल से निकलती है, वहीं पर इसका उद्गम स्थान है। अब हम पहुंच चुके हैं चोराबाड़ी खर्क के पास। खर्क इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो बकरी वाले होते हैं, वो कुछ समय बाद यहाँ पे आएंगे, अपना डेरा जमाएंगे, और सारी बकरियाँ दिन भर चुगने के बाद रात में यहीं पर अपना डेरा जमाएंगे। और इससे कुछ ही दूरी पे देखिए, सामने यही है चोराबाड़ी लेक, यहीं पर था कभी। आपको लिए चलते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और मैं एक बात आपको बता दूँ, ये चोराबाड़ी ताल इसका नाम क्यों पड़ा, चोराबाड़ी ताल का मतलब होता है यहाँ पर एक औषधि हुआ करती है, एक जड़ी बूटी हुआ करती है चोरा नाम का, तो वो यहाँ पे होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हम लोग साग दाल इत्यादि में डालते हैं, बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत टेस्टी होता है और गुणकारक है, इसलिए यहाँ का नाम चोराबाड़ी ताल रखा गया है।
और बाद में इसे इसमें गांधी जी की अस्थि पड़ी थी, इसलिए इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोरावाड़ी लेक के पास। आप देख लीजिए चारों तरफ बर्फ का नजारा है और यहीं पर जो है चोरावाड़ी लेक हुआ करता था। 2013 में जब आपदा आई तो यहीं पर से वो पूरा लेक फट चुका था और यहीं से जो केदारनाथ में तपाई हुई थी वही यही कारण था। यहाँ पे चोरावाड़ी लेक में जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था वही से रवाई का मंजर शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं मंदाकिनी निकलती थी, मंदाकिनी नदी यहीं पे से निकलती है, हालांकि अभी बर्फ के नीचे मंदाकिनी अभी निकल रही है, बर्फ के नीचे है। आप देख सकते हैं और ठीक सामने मैं आपको दिखा दूं एकदम लास्ट में ब्रह्म गुफा के नाम से जाना जाता है ब्रह्म गुफा। तो जैसे एक बार मैं फिर से आपको केदारनाथ का व्यू दिखाता हूँ। बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है वो ठीक सामने यहाँ पे है, उसके बाद पूरी केदारपुरी बसी हुई है और आगे हेलीपैड के आगे आप देख सकते हैं बेस कैंप है, उसके आगे रुद्रा पॉइंट के नीचे इधर से जो रास्ता निकलता है भैरवनाथ का, वो भैरव गधेरा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो है वो यहाँ से जो दिखता है वो सिर्फ लिंचोली तक दिखता है, उसके आगे गौरीकुंड रामबाड़ा इत्यादि है। और ठीक इधर सामने देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके इसी तरफ से आपको दिखा दूँ, ये भैरवनाथ का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है जो हमारे रक्षक हैं। ये देख लीजिए ठीक सामने आपको दिखा दूँ लास्ट में जो है वो ब्रह्म गुफा के नाम से जाना जाता है। इधर मैं आपको ये मेरू सुमेरु दो जो पर्वत है, मेन एक ही पर्वत का नाम मेरू सुमेरु है, यही मेरू सुमेरु है। इधर की तरफ आप देख लीजिए यहाँ पे हनुमान मुकुट के नाम से, हनुमान मुकुट जैसा है वो यहाँ पे हनुमान मुकुट के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकेंगे वो है, इस समय थोड़ा बादलों से ढक चुका है लेकिन यहाँ पर है काकभूषण। और ये जो रास्ता देख रहे होंगे यही स्वर्ग द्वार का रास्ता है, यही से पांडव लोग स्वर्ग की ओर गए थे, यही महाप्रस्थान का रास्ता है। देख लीजिए एकदम स्वर्ग जैसा नजारा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस समय ठंड लग चुकी है काफी, हाई एल्टीट्यूड के कारण ठंड लग चुकी है और मुंह भी अच्छा से नहीं चल पा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये व्यू सभी लोग देख सकें। अंत में मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, जल्द ही लौटूंगा। और जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे, जय भैरवनाथ।